आज अपन बात करते हैं क्रोध नामक निबंध के संदर्भ में। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ब्रजलाल साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो निबंध है उसका नाम है क्रोध, और क्रोध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसा कि आपको मालूम है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक हैं, विचारक हैं, निबंधकार हैं, और हिंदी साहित्य के आलोचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्रोध या कोप या गुस्सा एक प्रकार का मनोविकार है। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के का परिचय क्रोध का परिचय विस्तार से दिया है। उन्होंने उसमें क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका उत्कर्ष क्या होता है और समाप्ति कैसे होती है, इसकी विवेचना बहुत ही सूक्ष्म ढंग से की है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों का सहारा लिया है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि क्रोध की उत्पत्ति दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से होती है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में दुख और उसके कारण का परिज्ञान हो। 3-4 महीने के बच्चे में परिज्ञान की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वह क्रोध प्रकट नहीं कर पाता। दुख के कारण कि स्पष्ट धारणा होने पर ही क्रोध का उदय होता है। कहने का आशय यह है कि जब दुख का कारण मालूम चल जाए तभी क्रोध उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्रोध दुख के समान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रमुखता से उपजने वाला मनोविकार है। अब हम समझते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की क्या जरूरत होती है। क्रोध के बिना मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाने वाली कष्टों की हमेशा के लिए निवृत्ति का उपाय सोचता है, निवृत्ति का उपाय कर नहीं सकता। किसी दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा, किंतु किसी दुष्ट की दुष्टता देखकर क्रोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति उसके प्रतिकार के लिए तुरंत तत्पर हो जाता है। क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी संकट से बचने का उद्देश्य नहीं रहता। कभी कभी व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए भी ऐसा करता है, जिससे एक बार दुख पहुंचने पर उसके दोहराए जाने की संभावना नहीं रहती है। अब अपन समझते हैं क्रोध और कार्य कारण का संबंध क्या होता है। यहाँ पर जहाँ तक कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं देखता है, अपनी गलतियों पर नहीं देखता है। क्रोध के वेग में करने वाले कार्य के परिणाम के बारे में वो सोच नहीं पाता, और यही क्रोध का अंधापन है। हम समझते हैं क्रोध और आलम्बन का संबंध क्या है। क्रोध की चेष्टाएँ आलम्बन को हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले भय को संचार करते हैं। पहले वो डराना चाहता है, भयभीत करना चाहता है। और हमको ये भी जानना है कि क्रोध सबसे फुर्तीला मनोविकार है, बहुत तेज गति से यह क्रोध खेलता है। जितने मनोविकार हैं मनुष्य के अंदर, उनमें सबसे क्रोध फुर्तीला है, और यह अन्य मनोविकारों का साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार भी है, इससे अशांति हो जाती है और एक का क्रोध का संचार करता है। हमको जानना है कि क्रोध है क्या। क्रोध एक मनोविकार है। क्रोध को बढ़ाने के लिए जो प्रेरक तत्व तो होते हैं वो कौन हो सकते हैं। इसमें जो मुख्य आधार वो दुख है,
दुख दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अपना दुख, दूसरा पराया दुख। ये क्रोध को बढ़ाते हैं। हमको जानना है कि बैर और क्रोध में अंतर क्या है। लेखक कहते हैं कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। हमें जिससे दुख पहुंचता है तथा इस पर यदि क्रोध उत्पन्न होता है और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रह जाए तो बैर कहलाता है। इससे क्रोध का वेग या तीव्रता भले ही धीमी पड़ जाए किंतु लक्ष्य को प्रेरित करने की प्रेरणा बराबर हुआ करती है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को प्रेरित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध है। क्रोध से चिड़चिड़ाहट भी होता है, यानी कह सकते हैं कि चिड़चिड़ाहट क्रोध का एक हल्का रूप है। इसकी व्यंजना प्रायः शब्दों तक सीमित रहती है और एक प्रकार का मानसिक दुर्बलता है। रोगियों और बूढ़ों में यह चिड़चिड़ाहट अधिक पाया जाता है। लेखक कहते हैं किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहायता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण होना अमर्ष कहलाता है, चिढ़ जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि क्रोध एक मनोविकार है, यह बहुत फुर्तीला है और शांति भंग करता है। रामचंद्र शुक्ल का यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य के परीक्षाओं में भी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आते हैं, तो हमको ये समझ लेना है कि रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही गहन अध्ययन के पश्चात यह निबंध लिखा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।